हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोटेक वर्ल्ड। और आज हमारे सामने 2021 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट, जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी 2019 में। और आज आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही अवेलेबल है और इसका प्राइस स्टार्ट होता है 12,90,000 से और जाता है अप टू 18,33,000 एक शोरूम प्राइस। और अभी हमारे सामने हेक्टर शार्क ऑटोमेटिक, करते हैं इसका एक क्विक वॉक अराउंड। और इस फेसलिफ्ट में हमें जो भी एस्थेटिक चेंजेस और फीचर वाइज चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उनको सबको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले आपको दिखेंगी इसकी कीज़। तो ये अब हमको नई कीज़ मिल रही है। पहले काफ़ी स्लिम एंड स्लीक कीज़ मिलती थी जो देखने में इतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगती थी, लेकिन ये वाली कीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। इसमें आपको सेम लॉक एंड अनलॉक का बटन मिल रहा है और ये मिल रहा है टेल गेट ओपन करने का। तो कीज़ का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रीमियम रखा गया है। यहाँ पे आपको एमजी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। और ये रही आपकी एमजी हेक्टर, द ऑल न्यू एमजी हेक्टर 2021। और सबसे पहले यहाँ पे बीच में आ जाता है एमजी का लोगो ऑक्टागोनल शेप में, काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। नीचे इसमें हमको एक कैमरा मिल रहा है, चारों साइड पे इसके कैमरे मिल जाएंगे बिकॉज इसमें 360 डिग्री का व्यू आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट की जो सबसे पहली चेंज है वो इसकी ये ग्रिल है, डायमंड स्टड डिज़ाइन में ये ग्रिल आपको मिलती है, सिमिलर टू मर्सिडीज। इसको थर्मोसील ग्रिल बोलते हैं। उसके बाद लाइट्स एलिमेंट आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आपको LED DRL मिल रहा है और नीचे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे। सबसे नीचे आपको यहाँ पे फॉग लैंप मिलेगा, यहाँ पे लिखा गया है MG। और लाइट की हाउसिंग में यहाँ सी टाइप का एलिमेंट आपको दिया गया है क्रोम में। नीचे आपको स्किड प्लेट नई देखने को मिलती है, ये आ जाती है आपकी गन मेटल फिनिश में। तो ये भी एक नया एलिमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फ्रंट में आपको दो पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं। और अब खुलते हैं गाड़ी का इंजन बे। गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई है। तो सबसे पहले यहाँ आपको इंसुलेशन देखने को मिलेगी, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स। आई विश यहाँ दिए होते, इतनी महंगी कार में देने चाहिए थे डेफिनेटली। बाकी जो बिल्ड क्वालिटी है गाड़ी की बहुत अच्छी है। जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ दिखेंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये आपको ऑफर करती है 2 लीटर का 4 सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 168 BHP की पावर और 350 Nm का टॉर्क। इसमें आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी है जो 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है, 4 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 141 BHP की पावर और 250 Nm का टॉर्क। MG प्रोवाइड करी हमको 5 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी। और गाड़ी की डायमेंशन आपको सेम देखने को मिलती है, कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको इसमें। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज है साइड का, जो बहुत सारे कस्टमर्स डिमांड कर रहे थे, वो है इसका 18 इंच का अलॉय व्हील। लास्ट टाइम 17 इंच का आ रहा था और काफ़ी लोगों को लग रहा था यार इतनी बड़ी गाड़ी है और यहाँ पे आपको 17 इंच ही देखने को मिल रहा है। तो लेकिन इस बार आपको 18 इंच का मिलेगा और इसका जो टायर सेक्शन है वो भी इम्प्रूवड है। तो ये हमको मिल रहा है 215x55R18। बॉडी साइड क्लैडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। गाड़ी के फ्रंट एंड रियर व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी और इसमें 192 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रही है। जो फ्रंट व्हील्स है इसमें आपको मैकफर्सन सस्पेंशन मिलेगी विद स्टेबलाइजर बार्स। और रियर में आपको दिया गया है सेमी इंडिपेंडेंट हेलिकल स्प्रिंग टॉर्जन बीम सस्पेंशन। यहाँ पे आपको मोरिस ग्राज लिखा गया है, क्रोम गार्निश दी गई है, लास्ट टाइम भी ऐसा ही मिलता था आपको। और अब आ जाते हैं गाड़ी के रियर पे। तो यहाँ पे जो आपको चेंजिंग एलिमेंट यहाँ देखने को मिलेगा वो इसका ये बीच वाला एलिमेंट है। लास्ट टाइम ये हमको रेड में देखने को मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पे पियानो ब्लैक एंड क्रोम की स्ट्रिप देखने को मिल रही है आपको। नीचे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिख रहा है, ये MG का लोगो। और सेम यहाँ पे भी आपको जो स्किड प्लेट देखने को मिल रही है ये आपको गन मेटल फिनिश में देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में। तो ये एक फेक एग्जॉस्ट है और जो दूसरा वाला एग्जॉस्ट है ये वर्किंग है, रियल है। तो ये अंडर बॉडी कवरिंग आप देख रहे हो। नीचे आपको एक और व्हील मिलता है इसमें, ये आपको स्टील रिम में मिल जाएगा। पीछे देखे हैं 4 पार्किंग सेंसर्स और ये कंटिन्यू किया गया है यहाँ पे रिफ्लेक्टर को। नीचे आपको यहाँ रिवर्स लाइट मिल जाती है। इसमें आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक टेल गेट, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो और ड्राइवर सीट से भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बूट स्पेस आपको इसमें मिल रही है। तो टोटल 587 लीटर की बूट स्पेस आपको इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पे लाइट का ऑप्शन मिल रहा है, 60-40 स्प्लिट सीट मिल रही है। ये बटन दिया गया, इसको प्रेस करते ही आपका टेल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। सिक्सटी
60 लीटर की बूट स्पेस देखने को मिलती है, और ये है सिल्वर कलर की रूफ रेल्स। यहाँ पे आपको ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ इसमें देखने को मिलता है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ आपको मिल जाती है 8-way एडजस्टेबल सीट्स। ये आपको सिल्वर हैंडल्स मिल रहे हैं। इंटीरियर्स में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये आधा आपका ब्लैक में और सेकंड आपका वाइट में मिल जाएगा। तो वाइट में देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है ये कार। अभी शोर कर रही है तो चाबी को यहाँ रख लेते हैं। एंड बाय द वे ये इल्यूमिनेटेड आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कलर ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। एम्बियंट लाइटिंग, और यहाँ भी आपको एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिलेगी इसके डोर पे, ताकि आप अपनी बॉटल या कुछ भी आप यहाँ रख रहे हो, डॉक्यूमेंट वगैरह, तो आप इजीली ग्रैब कर लो उसको। और रियर पैसेंजर्स के लिए भी मिल रहा है आपको। सो ये इसकी सीट्स मिल रही है, 60-40 स्प्लिट सीट। बीच में दिया गया है आर्मरेस्ट विद टू कप होल्डर्स। तीनों आपको यहाँ पे, ओह ये कैसे लगा दिया है। सो तीनों आपको यहाँ पे हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए, और ये मिडल पैसेंजर के लिए यहाँ पे सीट बेल्ट दी गई है, काफ़ी अच्छा टच है। दो तो मिल ही रही है, और ये थर्ड पैसेंजर के लिए है। अभी आ गया हूँ मैं गाड़ी के अंदर, काफ़ी हद तक बाहर का शोर कम हो गया है। सो लास्ट टाइम जब मैं बैठा था तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा लगा था अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी कम मिल रही थी लास्ट टाइम, लेकिन अभी एमजी ने ये चीज़ इम्प्रूव करी है, तो अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है मेरे को इस बार। और बाकी जो स्पेस की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, मैं अपनी पूरी लेग्स आगे रख सकता हूँ, और नी रूम तो क्या बात है, बहुत अच्छा है। ये आपको मिलता है मैप पॉकेट, ये इसके ओके वन टच डाउन नहीं है, बट पावर विंडोज़ मिल रहे हैं, और काफ़ी प्रीमियम टच दिया गया है यहाँ पे आपको। पियानो ब्लैक, यहाँ पे सिल्वर का टच दिया गया है, सिल्वर एलिमेंट ऐड किया गया है इसके बटन्स में। तो ये है इसके फ्रंट डैश का लुक। तो जल्दी से चलते हैं इसकी फ्रंट सीट्स पे, और यहाँ पे तो आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, और ये नीचे, और ये 5 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है। नीचे थोड़ी सी स्पेस मिल रही है, और लेग रूम तो बहुत ज़्यादा है। इन्फिनिटी के स्पीकर्स, और यहाँ पे ट्विटर मिल रहे हैं आपको देखने में। तो चलते हैं गाड़ी के ड्राइवर सीट पे, एक्सपीरियंस करते हैं क्या चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और हाँ, हर एक वेरिएंट पे आपको ये स्टैंडर्ड मिल रहा है, यहाँ पे स्कफ प्लेट्स आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगी हर वेरिएंट पे। ये है टॉप वेरिएंट, तो यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल रहा है पैसेंजर, ड्राइवर एंड को पैसेंजर के लिए। ये ड्राइवर साइड के कुछ कंट्रोल्स, यहाँ से आप ORVM कंट्रोल कर सकते हो, ये लाइट का लेवल, फ्रंट जो लाइट है इससे आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। और ये आ गया आपका टेल गेट ओपन करने के लिए, इसको प्रेस किया एंड आपका टेल गेट ओपन हो गया, और आई थिंक इसको प्रेस करने से फिर बंद हो जाता है। यस, तो इसको आप प्रेस करोगे तो आपका टेल गेट बंद हो जाएगा, आपको नीचे उतरने की या कहीं और इसका स्विच ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये आपकी, ओके, और एक छुपा रुस्तुम फीचर यहाँ भी है। तो ये आपको ऑप्शन मिलता है वेंटिलेटेड सीट्स के लिए, 3-way आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, 1, 3, 2, 1, ओके, रिवर्स डायरेक्शन में चलता है, तो दोनों साइड पे आपको मिल जाएगा फ्रंट दोनों पैसेंजर्स के लिए। तो ये है स्टीयरिंग व्हील, बीच में MG की बैजिंग की गई है। राइट साइड में आपको सारे मीडिया कंट्रोल्स मिलेंगे, MG का थोड़ा अलग है, बाकियों में लेफ्ट साइड में होते हैं, लेकिन इसमें आपको राइट साइड में वॉइस कमांड और मीडिया कंट्रोल्स, कॉल कट एंड रिसीव के बटन, और यहाँ आपको लेफ्ट साइड में क्रूज कंट्रोल और इन्फोटेनमेंट के सारे यहाँ पे बटन्स आपको मिल जाएंगे। ये मिल रहे हैं आपको सारे लाइट्स के कंट्रोल, और यहाँ पे है आपके वाइपर कंट्रोल्स, और जो स्पीडोमीटर और टैकोमीटर की जो प्लेसमेंट है वो भी अलग है। आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा स्पीडोमीटर, और लेफ्ट साइड में दिया गया है टैकोमीटर, और बीच में आपको ये डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगी जिस पे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। इवन अगर आपका डोर भी ओपन है तो डोर वार्निंग यहाँ देखने को मिल जाती है आपको। और अभी सनरूफ ओपन करते हैं, नो सनरूफ की वार्निंग नहीं देखने को मिलती। ओके, तो टेल गेट ओपन कर दिया हमने, और टेल गेट की वार्निंग यहाँ हमको देखने को मिल रही है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स, और अब आपको जो चेंज इसमें देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली इसकी जो सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है पहले से। ये अंडर थाई सपोर्ट जो है ये भी इंक्रीज़ किया गया, आई थिंक इसको थोड़ा सा आगे के लिए बढ़ाया गया है,
और यहाँ आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और आपको ऑप्शन मिल रहा है अपना फ़ोन वायरलेस चार्ज करने के लिए। आप अपना फ़ोन यहाँ पे वायरलेसली चार्ज कर सकते हो, पहले नहीं था क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी है और आपको वायरलेस चार्जिंग ना मिले। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल रहे हैं जिसमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी, 64 लाइट्स। टॉप वेरियंट में आपको ऑटोमेटिक पार्किंग का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मिल रहा है रियर व्यूइंग मिरर। तो अभी इसमें आपको ऑटो डिमिंग का फीचर देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। अभी इसमें ऑटोमेटिक ऑटो डिमिंग आता है तो बहुत अच्छी बात है। और लास्ट टाइम हमको यहाँ पे एक USB पोर्ट मिलता था जो किस लिए काम आता था, अगर आप अपने कार में डैश कैम वगैरह यूज़ करते हैं या लगाना चाहते हैं तो सीधे आप यहाँ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी वायरिंग यहाँ से लाके और नीचे कहीं भी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन चलो, अभी ऑटो डिमिंग का फीचर तो दे दिया है और ये USB निकाल दिया है। यहाँ पर आपको सनग्लासेस के लिए मिल जाता है सनग्लास होल्डर, और ये है इसका कूल्ड ग्लव बॉक्स। यहाँ पे नॉब मिल जाती है, दिया गया फर्स्ट एड किट। डैश पे आपको यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल और यहाँ हार्ड मटेरियल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है। सेम आपको डिस्प्ले मिलती है, इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा फास्ट हो गया पहले से, पहले इतना फास्ट नहीं था। और ये मिलता है आपको 360 कैमरा। तो भाई 360 कैमरा मैं अभी भी बोलता हूँ कि इसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छी खासी लाइट अभी हमको यहाँ देखने को मिल रही है। बाहर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लाइट है, और फिर भी यहाँ पे आपको कितना डार्क देखने को मिल रहा है। अभी अगर आप इसको हैरियर से या सफारी से कंपेयर करोगे तो उनका मच बेटर आपको 360 व्यू मिलता है, तो इसका थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी ठीक है, आपको 360 व्यू मिल रहा है। बाकी अब आ गई इसमें हिंदी और इंग्लिश वॉइस कमांड्स। तो जैसे मैं बोलूँगा हेलो MG, आई एम हियर, सनरूफ खोलो, तो पहले ये सपोर्ट नहीं करता था। हेलो MG, हाय, हाउ कैन आई हेल्प? बारिश हो रही है। पार्डन? ओके, मुझे लगा बारिश हो रही है बोल के ये सनरूफ बंद करेगा। हेलो MG, क्लोज द सनरूफ। क्या कर रहे? हेलो MG, क्लोज द सनरूफ। ओके चलो, शुक्र है इसने बंद कर लिया। बाकी वो बारिश वाला फीचर तो मुझे लगा चल जाएगा, लेकिन वो काम नहीं किया। ओके, सनलाइट वगैरह सब बंद कर रहा है, अच्छी बात है। तो आपके हिंदी इंग्लिश सारे इसमें वॉइस कमांड्स अभी चल जाएंगे। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसको डेवलप होने में, आपके सारे हिंदी के कमांड्स में भी ये ना वो कर पाए। सो ये आपको यहाँ पे मिल रहा है सनवाइजर ड्राइवर साइड विद टिकट होल्डर, और ये मिल रहा है आपको वैनिटी मिरर, और यहाँ पे लाइट भी देखने को मिल रही है। सेम पैसेंजर साइड आपको मिल जाएगा विद लाइट, दैट्स अ गुड फीचर। तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाएगा, और ये है हैजर्ड स्विच। यहाँ आपको मिलता है स्टार्ट स्टॉप का बटन। तो आपको यहाँ टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही मिल जाते हैं, सो जिसे आप रीच भी बोलते हैं टेलीस्कोपिक को, और ये टिल्ट है तो हाइट के अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से हो जाएगा ये लॉक। एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, एक चीज़ मैंने नोटिस की इसमें जो हैरियर वगैरह में नहीं है, आई डोंट नो सफारी में मिलेगी आपको देखने में या नहीं, जैसे आप इसकी हाइट एडजस्टमेंट करते हो, जैसे आपने इसको यहाँ पे रोक दिया तो यहाँ रुक जाएगा। उनमें होता है कि आपको होल्ड करके रखना पड़ता है और नीचे से लॉक करना पड़ता है, इसमें रुक जाएगा। अपने हाइट के अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट करो, फिर यहाँ से आप इसको लॉक कर दो। सो ये काफ़ी अच्छा मेरे को लगा इसमें, और सॉफ्ट टच का यहाँ यूज़ किया गया है इसके स्टीयरिंग व्हील पे। यहाँ भी आपको दो ट्विटर्स मिल जाएंगे दोनों साइड पे इन्फिनिटी के, और नीचे स्पीकर्स मिल रहे हैं। बाकी आपको पूरी कार में एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलती है इसके डोर पैनल्स पे, और यहाँ दोनों कप होल्डर्स के लिए आइसोफिक्स के ऑप्शन दोनों सीट्स के लिए मिल रहे हैं आपको। तो ये थी एक क्विक वीडियो, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग चेंजेस जो थी, जो कस्टमर्स बोल रहे थे, इन्होंने वो बात सुनी और करी। जैसे यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग, 18 इंच के अलॉय व्हील्स,
जो आई थिंक 99% कस्टमर्स चाह रहे थे। बाकी यहाँ आपको मिल जाता है ये सेंसर, जिसे हम रेन सेंसिंग वाइपर बोलते हैं, मतलब रेन सेंसिंग वाइपर का ये सेंसर है, जैसे बारिश पड़ेगी तो आपके जो वाइपर्स है वो ऑन हो जाते हैं, और ऑटो हेडलैम्प का भी इसमें मिल जाता है आपको। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई फीचर मेरे से मिस आउट हो गया तो आप मेरे को कमेंट में वो बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।